अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ये दही बड़े, इमली की चटनी और चाट मसाला। मैंने 2 बड़े चम्मच टेबलस्पून इमली ली है, 1/2 कप पानी, उसमें मैंने से नरम कर लिया कि पहले से मैंने भिगोया नहीं हुआ था। सॉफ्ट होगी तो मैंने उसके बीज अलग करके उसे ग्राइंड कर लिया, और फिर अब ये मैं ग्राइंड से वापस सॉस पैन में डाल के मैंने इसमें 1/2 कप चीनी डाली है। इसमें मैंने थोड़ी सी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़े से 1/2 टेबल स्पून मैंने सौंठ डाली है, ड्राई जिंजर, और इस सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पकाया। अच्छे से जब ये गाढ़ी हो गई, इसमें सिरका वगैरह भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। 1 टेबल स्पून सिरका डाल सकते हैं आप, डालना चाहें तो, मगर मैंने नहीं डाला। और ये सब अच्छे से पका के ये गाढ़ी हो गई, गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं ये बॉल में निकाल लूँगी। देखें ठंडी होके ये और ज़्यादा गाढ़ी होगी और बहुत ही मज़े की, बहुत लजीज तैयार हुई थी। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा। चटनी तैयार हो गई, चाट मसाला मैंने इससे पहले बना लिया था, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये मेरी 20-22 साबुत गोल मिर्चें हैं, इन्हें मैंने फ्राई पैन में अच्छे से ब्राउन कर लिया, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छे से इन्हें कड़क कर लें, और फिर इसमें ही मैंने मसाला लिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंठ, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, और इसे अब मैं साबुत धनिया और ज़ीरा को ब्राउन कर लूँगी। और फिर इस सब चीज़ों को, मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, नमक, काला नमक, सौंठ, और इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है, वो मैंने इस टाइम नहीं निकाली, ग्राइंड करते वक्त मैंने शामिल कर ली थी 1/2 टीस्पून। ये सब चीज़ों को मैं अब ग्राइंड कर लूँगी और मेरा चाट मसाला तैयार है। ये भी बहुत मज़े का बनता है। और ये मेरे दही बड़ों का सामान है, 1 बड़ा मग मैंने बेसन लिया है, इसमें नमक, ज़ीरा, अजवाइन और मीठा सोडा है। इस फ्राइंग के लिए तेल लिया है मैंने, और ये मैंने बेसन घोल के मैं इसमें ये छोटी छोटी डाल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डाल रही, और बहुत बाजारी वाले नॉर्मल साइज़ भी नहीं है, थोड़ा सा मीडियम है। मैंने अच्छे से गोल्डन करके निकाल लूँगी। मैंने 1/2 किलो दही से अच्छे से मैंने फेंट लिया, और इसमें मैं अभी पानी में जो मैंने भिगो के रखे थे दही बड़े पकोड़े अपने, वो मैंने पानी से निकाल के निचोड़ निचोड़ के इसमें डाल लूँगी। पानी में थोड़ा सा नमक शामिल कर लें, इससे बहुत अच्छे रहते हैं ये पकोड़े, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है मेरे, बहुत छोटे भी नहीं मैंने शामिल करे, और ना ही दही ज़्यादा पतली करी है। आप लोग जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसी तरीके से गाढ़े गाढ़े बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला शामिल किया, इमली की चटनी शामिल करी है, और थोड़ी सी मैं सब्ज़ धनिया की चटनी शामिल करूँगी। ये मेरे दही बड़े तैयार हैं, इस तरह से आप लोग भी तैयार करिएगा, बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज बनेंगे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।